सर आपने लाइक जो भी बाइक राइड किए सबसे बेस्ट आपको लाइक अपनी 8 बाइक्स में से कितनी कौन सी बेस्ट लगती है जो ऑल आर माय रेडीज आई लाइक ऑल माय मशीन सेम मेरा नहीं लाइक आंसर होता है जहां मैं कोई भी टेरन हो कहीं भी यू लेके कैन चले जाऊं नेवर से माय दिस सन इज बैड एंड दिस सन इज गुड बट कोई ना कहीं वो बेस्ट हो किसी ना किसी में बेस्ट होगा वो दे मे हैव सर्टेन डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड देयर राइट एबिलिटीज हां बट बोथ दी सन्स वुड बी डियर टू यू आपके ना फादर से नहीं यार ये बेटा बेकार है ये बेटा राइट देयर कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज मे डिफर बट ऑल द बाइक्स आई मीन मुझे किसी भी बाइक में प्रॉब्लम नहीं है आई हैव अ रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 2009 मॉडल और जो पूरा इंडिया घूम गया 1.5 लाख किलोमीटर स्टिल गिव्स मी 51 माइलेज आप लेके जाओगे आपको 30 की देगी आपको शायद पंचर भी करके साथ में करवा देगी मुझे 1.5 लाख में कभी पंचर भी नहीं करा उसने तो इफ यू लव योर मशीन्स दे विल लव यू बैक अब ऐसे ही मेरे एक्टिवा के पीछे मेरे ऑफिस वाले ही पड़े रहते हैं मैडम अब तो आपने बाइक के तीन तीन बाइकें हैं क्या करोगे आप दो जने हो चलाने वाले इनफैक्ट मेरा ब्रदर खुद बोलता है कि एक्टिवा आपने मुझे तो मैंने कभी बिल्कुल नहीं दूंगी मैं मेरे उसके मतलब कुछ अटैचमेंट्स हैं मेरे को उससे So I now repent क्योंकि financial constraints भी थे, जगह के constraints भी थे कि मैंने अपनी शुरू की use करी सारी बाइक पे दिल्ली शहर आज मेरे पास 50 बाइक हो गई तो time comes bikes सब अच्छी and जिस जो आपके emotions जुड़े हैं तो वो those bikes are precious होता है अब हर किसी के साथ अलग आप मेरे से मेरी डोमिनोज मांग लो उसे आई विल पे यू 10 लाख रुपया आंसर है क्वेश्चन का मतलब है अल्लाह का मतलब है मेरी एडवेंचर के पीछे मतलब फेसबुक पे भी कि आप अपनी एडवेंचर का क्या करोगे ये सेल आउट करना है वो नहीं करना है नहीं आप बोल सकते हो हां बोलो प्राइस लगाओ ऑप्शन है मेक सेंस बिकॉज यू बिलोंग टू एन एरा वेयर emotions are मतलब मायने बहुत कम रखते हैं आई नहीं क्योंकि हम लोगों के लिए तो अगर एक मोटरसाइकिल की तो हमारे तो मिशन था मोटरसाइकिल लेना मिल जाए पैसे नहीं होते थे होते थे तो देते नहीं थे सबसे बड़ी चीज आजकल बच्चों को पुलिस वाले भी ये बोल रहे हैं अच्छा पेरेंट्स में दिलाई होगी सॉरी सर पेरेंट्स हमें नहीं दिलाएंगे खुद ही हुई है तो आज का टाइम्स आर चेंजिंग हम इमोशंस की वजह से कचरा घर में जमा कर लेते हैं बट अदर देन दैट पैशन की जगह मेरे पास जगह की है और लाइफ लॉन्ग मैं उसको रखूंगी एंड कॉस्ट आएगी कॉस्ट आएगी आएगी मेंटेनेंस कॉस्ट क्योंकि अब पहले 100-150 रुपए में 200 रुपए में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो जाती चलो यार मुझे पता मुझे साल भर तो राइडिंग करनी है 100-200 रुपए में आजकल इंश्योरेंस 3,000-3,500 रुपए बाइक की थर्ड पार्टी नॉट द कॉम्प्रिहेंसिव तो 350 सीसी का एक स्लैब है 650 का एक स्लैब है उसके ऊपर एक स्लैब एक स्लैब तो इंश्योरेंस कॉस्ट तो है ना फिर टाइम चाहिए वर्किंग को कैसे टाइम दे रहे हो सबसे बड़ी चीज आपको तो ऑफ मिल ही जाते हैं ऑफिस से मुझे तो बहुत मतलब मैं बहाने मैं बीमारी का भी बहाना नहीं लगा सकती क्योंकि ऑर्डर पेंडिंग है 4-5 ईयर्स से मैंने बीमारी के नाम पे कोई छुट्टी ही नहीं है सो अगर मैं बोलूंगी कि मेरी तबीयत मतलब एक्सट्रीमली मुझे ये हो गया है टाइफाइड हो गया है उसको नहीं हो सकता कुछ भी झूठ बोल रही है वो अच्छा पैरामीटर्स जिसके लिए अगर आप या क्लियर तो रखें अदरवाइज मूव ऑन लेट समबडी एल्स यूज दैट मशीन वो होता है ना लाइक वो उस हिसाब से संभाल के रख पाएगा नहीं रख पाएगा और कैसे यूज करेगा जैसे आपके एनिमल्स हो जाते हैं मैंने 390 एडवेंचर 4 साल 5 साल 6 साल के बाद आई लेट इट गो जो लेने आया था उसने मेरे नाम पर ही पैसा ट्रांसफर कर दिया पूरा से लॉकडाउन से जैसे मौका मिलेगा मैं ले जाऊंगा वो जब आया आई वाज शॉक्ड कहते सर मैंने इमेजिन ही नहीं करा था ये नई कंडीशन में सो मैंने कभी संभाल के रखा बट यू हैव टू लेट इट गो इतनी मेंटेन करो अब जनरली मैं बाहर हूँ तो बच्चों को मैं वहाँ से ले जा मेरा इस पर चार्जर लगा देना यार या आप इस पर लगा देना यार इस पर लगा देना वो उनकी देह पे रोल लाइफ और वो गई तो फिर आके आपको बैटरी कॉस्ट है फिर और दुख होता है कपड़ा भी नहीं मारते अगर धूल में खड़ी है वो
आई थिंक वन शुड हाँ सर नॉक आई थिंक वन शुड लेट इट गो